नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मनमानी कर राखड़ पाटने के आरोप को सरपंच ने बताया निराधार। बलौदा ब्लॉक के अंतिम छोर ग्राम पंचायत सिवनी, जो अपने कार्य को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, उस कड़ी में अभी राखड़ को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। उस संबंध में मीडिया को जानकारी अवगत कराते हुए सरपंच लखे कुमारी चंद्र कुमार राठौर ने अपनी बात रखी और बताया, ग्राम पंचायत के सरकारी भूमि पर राखड़ पाटने के संबंध में आरोप को सरपंच ने जानकारी अवगत कराते हुए आरोप को निराधार बताया। आगे जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम पंचायत प्रस्ताव ग्राम सभा ग्राम विकास समिति के द्वारा सर्वे सहमति से चापाइस डीएम से आवेदन प्रस्तुत कर जनहित को ध्यान में रखते हुए राखड़ पाटने की जानकारी प्रदान किए। वहीं वार्ड पंचों ने भी खुलकर मीडिया से चर्चा करते हुए बताया, हमारे सरपंच के द्वारा किया गया कार्य निश्चित ही सराहनीय है, क्योंकि तालाब किनारे गड्ढे होने के कारण जनधन की हानि होने की संभावना बनी रहती थी, उसे छुटकारा मिल गया है और गौ माता को राखड़ में फंसकर जान गंवाने के संबंध में पंचों ने बताया, जिस जगह पर फंसकर गौ माता का जान गया है वह निजी भूमि है। कैसे अच्छा करते कुछ बताबे? अब ये दे खतवा रही से पूरा हमन बुड़ जात रहे नोत के है तो एला माने पटवा के अच्छाई करा थे ओई ला तो खत्म भाई। बढ़िया विकास के काम करे थे सर? करा थे गा। अब का का विकास करे है? अब कई ठी विकास करे एला खानवाई से दे। अब कई ठी माने काम करवा है संतुष्ट हन ओकर कार्य सा? हां, का नाम है? का नाम? गरीब दास। जो अनुपयोगी गड्ढा है और जिससे कोई खतरा है, मोहल्लेवासी जो बोले हैं, शिकायत किए हैं, सभी के सहमति से हम लोग ग्राम पंचायत में पहले प्रस्ताव पारित किए कि अनुपयोगी गड्ढे को समतल करना है, बराबर करना है, जगह भी सुरक्षित करना है ताकि बेजा कब्जा या अतिक्रमण मत हो। ग्राम पंचायत में प्रस्ताव के बाद ग्राम सभा में भी चर्चा किया गया। गाँव के जितने बड़े बुजुर्ग थे सभी उपस्थित हुए थे, अपना सहमति दिए हैं, साइन किए हैं। उसके बाद फिर पंचायत द्वारा सरपंच के द्वारा SDM साहब को आवेदन दिया गया, उसके पश्चात ही यहाँ राखड़ गिराने का काम हम लोग किए थे। वहीं खबरों में उल्लेखनीय हो रहा है कि डबरी को पाटा गया? नहीं, डबरी देखिए यहाँ ये धोमिन डबरी के नाम से जाना जाता है। मैं राजेश दुबे पंच, वार्ड नंबर 6 का, ये मेरे वार्ड में आता है। और जो आपको दिखाई दे रहा है वो डबरी है, डबरी मतलब जो गड्ढा दिख रहा है, घास वगैरह है, वो डबरी है। ये जो है एक मैदान समतल भूमि ही है, बस इसको थोड़ा सा बराबर करने की ज़रूरत है कहकर इसमें राखड़ डाला गया है। बगल में स्कूल है सरस्वती शिशु मंदिर, भविष्य में बच्चे लोग यहाँ खेल के मैदान का उपयोग कर पाएंगे ऐसा सोचकर इसको पाटा गया है। ये पूरे मोहल्ले वालों की सहमति है, आने वाले समय में ये हम लोग का कुछ काम आएगा, सुख रहे दुख रहे कुछ भी, यहाँ पे कुछ भी भवन अगर की जो है फंसकर फंस जाने की भी खबर उठ रही थी, ये क्या? नहीं नहीं, यहाँ तो अभी तक तो मवेशी या गाय फंसने की कोई खबर नहीं है और यहाँ हम लोग सुरक्षित रखे हैं। देखिए आप खंभे भी गड़ा दिए हैं, जाली से घेर कर रखे हैं और सिर्फ हम लोग यहाँ से वहाँ वो वाले रास्ते में आने जाने के लिए बस किनारे से रास्ता बनाने के लिए बस उसमें मिट्टी डाले हैं। आपका परिचय देंगे? मैं राजेश दुबे, ग्राम पंचायत सिवनी, वार्ड नंबर 6 के पंच हूँ। ये है तो खैर राखड़ पाटने वाला संबंध निराधार है, जैसे बात करे थे उनके हिसाब से। हमन ग्राम पंचायत में बैठक ले हैं, ओकर ले ग्राम सभा में बैठक ले हैं, ओकर ले ग्राम विकास में भी ले हैं और 200 आदमी मन भी बोलिन है मोला, गाँव के मन महिला पुरुष सब मिलजुल के कि हमारे गांव के विकास होना है, तो जैसे भी गड्ढा उड्ढा हवा है तो मतलब पाटो आटा करके सहायता करा कुछ ग्राम पंचायत से, ऐसे करके बोलिन है। तो हमने सब करे हैं और SDM साहब कर गए हैं, चापा गए हैं, ओकर कर सील साइन मांगे हैं, जो भी हमला मिली से वहाँ से ओकर अनुसार हमला राखड़ पाटे के आदेश मिली से। श्रीमती लखे कुमारी चंद्र कुमार राठौर, ग्राम पंचायत सिवनी सरपंच। जनप्रतिनिधि, वर्तमान जनप्रतिनिधि, गांव के गणमान्य नागरिक सब उपस्थित थे हाई स्कूल में, उनके द्वारा जिसमें जिला पंचायत सदस्य के पति राजेंद्र राठौर और राघवेंद्र नामदेव, जिनके द्वारा खुद रजिस्टर में लिखा गया है उसको, उनके द्वारा भी वहां अनुपयोगी गड्ढों को पाटने के लिए विधिवत सब सर्वसम्मति से निर्णय किया गया है। उस आधार में माननीय अनुविभागीय अधिकारी से हमारे द्वारा ग्राम पंचायत के द्वारा एक लिखित में आवेदन दिया गया, उसके पश्चात उन्होंने हमें अनुमति दी। उस आधार पे हम लोग बाकायदा परिवहन विभाग से भी अनुमति लिए हैं। उसके बाद में हमारा जो कार्य है श्री CSPL प्लान को प्रस्ताव के साथ में अनुमति के साथ में दिया गया, उसके बाद उनके द्वारा यहाँ पाटने का काम किया गया है।
और अभी आप देख रहे हैं उसके बाद में बताएंगे आपके यहाँ ग्राम पंचायत में आरोप लगाया गया उसको किस नजरिए से देखते हैं। देखिए हमारे यहाँ जो ग्राम पंचायत में आरोप लगाए गए हैं वो सवाल ये है कि यहाँ कुछ लोग जिनका यहाँ स्वार्थ सिद्ध नहीं हो पाए उन लोग इसको मतलब बनाने के विचार में थे, उनको बिल्डिंग बनाने के विचार में थे, उन लोगों का मनसा पूरा नहीं हो पाया, इस प्रकार से हमारे पंचायत के ऊपर में उन्होंने बाढ़ निराधार आरोप लगाया जा रहा है। ये निराधार जो आरोप लगाए जा रहे हैं अब एक यहाँ के पंच हैं तो उनके विरुद्ध क्या संज्ञान लेंगे आप? माननीय अनुभागीय अधिकारी द्वारा जो भी हमको नोटिस दिया गया उनका हम जवाब दे रहे हैं, उसके बाद में जैसे भी है गाँव के जनता देख रहे हैं उनको कभी माफ़ नहीं करेंगे जिस प्रकार से गलत कर रहे हैं। इतना बड़ा कार्य जो है कोई आम सहमति से होता है, कोई सरपंच या कोई पंचायत के प्रतिनिधि नहीं करता, इसके लिए सबका सहयोग होता है और हम ग्राम विकास में सबके सहयोग से कार्य कर रहे हैं। जी क्या नाम है बताएंगे? चंद्र कुमार राठौर, वार्ड नंबर 15 पंच।